वेलकम बैक गाइज। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ, यदि आप रियलमी का कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, ये बेसिकली वीडियो मैं 8i के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास कोई भी रियलमी का डिवाइस है, आपको साइड में नीचे मेन आइकन दिखाई देता है, और यदि आपने सारे वीडियो देख लिए आप इसको नहीं हटा पाए, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, आप हटा सकते हो। यदि आपको ब्लैक स्क्रीन वाला आ रहा है या कोई शॉर्टकट वाला आ रहा है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का क्यों ना हो, जैसे ये देख लीजिए मेरे पास 8i डिवाइस है, इस मेन आइकन में मतलब ये 5-6 तरीके का होता है, सभी बताने वाला हूँ, और आपके पास किसी भी तरीके का है तो आप इसको डिसेबल कर पाओ। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, या आपकी स्क्रीन पे लाइनिंग आती है, या मान लीजिए इससे आपकी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग ऑन होना जाती, कुछ भी होता हो तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप इसको फिक्स कर पाओ। जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसकी स्क्रीन क्या हुई, ये देखिए ब्लैक हो चुके, वापस से क्लिक करता हूँ सेम स्क्रीन हो चुके ब्लैक सेम, यानी कि कलर करेक्शन हो रहा है। तो ये 5-6 सेटिंग होती है, सभी सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी आपको मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगी। सो गाइस मैं वापस से सेटिंग में आ चुका हूँ, और वापस से मैं बैक करता हूँ यहाँ से, और बैक करने के बाद कैमरे को अच्छे से फोकस करा लेता हूँ, उसके बाद बैक कीजिए। बैक करने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग, इस पर आइए, इस पर आने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी का, आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको एक कलर करेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यदि आपने इसका शॉर्टकट ऑन कर रखा है तो इसको डिसेबल कर दीजिए। मेरे में जो था एक कलर करेक्शन था, मैंने ऑफ किया, देख लीजिए आइकन हट चुका है। उसके बाद ऊपर आपको देखिए सेलेक्ट टू स्पीक है, यदि आपने ये ऑन कर रखा है तो इसको भी आपको डिसेबल कर देना है, इसका भी आइकन आपको शॉर्टकट में देखने को मिल जाता है। देखिए सेलेक्ट टू स्पीक का ऑप्शन आपके है, यदि आपने इसका शॉर्टकट ऑन कर रखा है तो इसको भी डिसेबल कर देना है, इससे भी आपकी होम स्क्रीन पे नीचे गेस्चर की जगह मेन आइकन आता है, तो इसको भी आपको डिसेबल कर देना है। बैक करता हूँ मैं, बैक करने के बाद और क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टू स्पीक से नीचे आपको मैनीफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। यदि आपका इसका भी शॉर्टकट ऑन है तो यहाँ पर देखिए आपको मेन आइकन देखने को मिल जाता है, मैग्नीफिकेशन है, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है। सो मैं इसको एक बार डिसेबल कर देता हूँ, मेन आइकन रिमूव हो चुका है। अभी मैं वापस से बैक करता हूँ, कलर करेक्शन पे आता हूँ, और कलर करेक्शन मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था, यहाँ पर यह कलर इन्वेशन है, इस पर क्लिक कीजिए, और यदि इस तरीके से करते हो तो आपको ये ब्लिकिंग का इश्यू आता है। तो अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके की डिस्प्ले आपकी मतलब ब्लिकिंग या फ्लिकरिंग करती है, तो इसको भी आपको कलर इनोवेशन है, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है। तो ये देखिए कलर इनोवेशन है, शायद तक ये अच्छे से वॉइस ओवर में दिखाई नहीं दे रहा मुझे, और वापस से आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और है, देखिए स्विच टू एक्सेस, इस पर क्लिक कीजिए, और यदि आपने इसका भी शॉर्टकट ऑन करके रखा है तो इसके भी शॉर्टकट को आपको डिसेबल कर देना है। देखिए गाइस स्विच टू एक्सेस है, इसका यदि आपने शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है तो इसको भी आपको डिसेबल कर देना, मतलब ये 5-6 तरीके की सेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, सभी को आपको एक एक करके डिसेबल कर देना है। डिसेबल करते जाओगे तो आपका ये मेन आइकन रिमूव होता जाएगा। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसका भी आपको शॉर्टकट देखने को मिलता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए फिर से शॉर्टकट आ चुका है, ये इस तरीके से वर्क करता है, तो आपको ये भी आपके आइकन है, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था, इसकी रियलमी के अंदर आपको अदर डिवाइसेस के अंदर एक ही होती है, लेकिन रियलमी में आपको 5-6 सेटिंग ऐसी देखने मिलती है जिससे मेन आइकन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, और नीचे साइड तक एक सेटिंग और थी शॉर्ट स्क्रीन या कुछ इस तरीके से करके। तो यदि गाइस इनमें से आपने यहाँ पर देख लीजिए एक एक सेटिंग को आप बार बार और देख लीजिए, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू है, स्विच टू एक्सेस है, कलर इनोवेशन है, कलर करेक्शन है, और स्विच टू एक्सेस है या कलर इनोवेशन है, और यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन हो या टॉकबैक हो या सेलेक्ट स्पीक हो, ये सारे ऑप्शन हैं, इन सभी के यदि आपने किसी का भी शॉर्टकट ऑन करके रखा है तो आपके मेन आइकन आ जाता है। ये सभी का ऑन कर रखा है फिर भी आपको आइकन एक ही दिखाई देता है, यदि आपने दो का कर रखा है फिर भी एक आता है, तो आपको एक एक करके सभी को चेक करना है और सभी को आपको डिसेबल कर देना है, इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको 101% उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।